गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इमरान खान टिकटॉक कंपाइलेशन। और इमरान खान के टिकटॉक यार बहुत ज़्यादा कमाल की होती है, और इससे पता लगता है आप लोग कितना ज़्यादा उनको प्यार करते हो, क्योंकि आप लोग इतनी सारी कंपाइलेशन बनाते हो और इनमें इतनी मेहनत छुपी होती है उसमें, वो आप ही लोग जानते हो। तो देखते हैं कि ये वीडियो कैसे होने वाली है, फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। एक बंदे ने कहा ये वो है ना, मुझे धांधली कराई गई, मुझे फॉर्म 45 चेंज कराया गया, उस बयान के बाद वो गायब है। और एक अजीब मजाक शुरू है इस कौम के साथ, ये कहा जा रहा है कि जी वो दिमागी मरीज है। 2 महीने पहले आपका चीफ मिनिस्टर वहां का, आपके बड़े बड़े लोग उसके बेटे या बेटी की शादी में पहुंचे हुए हैं। दिमागी मरीज के बेटे और बेटी की शादियों पर आप घूमते हैं, या एक दिमागी मरीज को आपने पिंडी जैसे इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे कमिश्नर बना के रखा हुआ है? ये आपकी परफॉर्मेंस थी, ये आपकी टेलीफॉर्मेंट थी जो आपने बनाई थी। पीटीआई का तो वर्कर फेसबुक पे पोस्ट करता था, आप उसे पकड़ लेते थे, इतनी तेजी आप दिखा रहे थे। जितना जोर पीटीआई के खिलाफ लगाया गया है, खुदा की कसम अगर इसे 5% जोर भी इस कौम के लिए लगा लिया गया तो नहीं इस कौम में दहशत गर्द बचेगा, कोई हमारे जोर बचेगा, जयपुत्रा बचेगा। कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी अगर आप थोड़ा सही में जोर लगाओगे, तरक्की छोड़ दो, आओ फरिश्ते बन जाओ। इमरान खान के बारे में आज तक प्रोपेगेंडा कौन कौन से किए गए और उन प्रोपेगेंडा का पब्लिक ने क्या जवाब दिया, आपको पता चल जाएगा ना कि आगे क्या होने वाला है। ये स्टेटमेंट आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। नंबर 1 प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान को फौज ने बनाया, इमरान खान को फौज ने बनाया, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया, अगर वो ना बनाते तो वो ना बनता। देखिए इमरान खान ने जितनी लंबी सियासी जद्दोजहद की वो किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं की, लंबी सियासी जद्दोजहद के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना और उसके पास मकबूलियत मौजूद थी, वो कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसका साथ दिया, लेकिन आज वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है। नंबर 2, हुकूमत खत्म होते ही लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। आप सब गवाह हैं कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई लोगों को इमरान खान के अलावा कुछ और याद ही नहीं रहा, भूलना तो बहुत दूर की बात है। नंबर 3, कुर्सी छिनते ही इमरान खान अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास लंदन में भाग जाएगा। आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर 200 मुकदमे बनाए और आज सब चाहते हैं ताकतवर लोग इमरान खान मुल्क छोड़कर चला जाए और वो छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, ये भी गलत साबित हुआ। 4th प्रोपेगेंडा, इमरान खान 2 दिन जेल की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मम्मी डैडी है, बहुत ही कमजोर आदमी है, बड़ी आसान जिंदगी गुजारी है, और वो कई महीने और जेल रहने के लिए भी तैयार है। और अपने वकला से बकौल वकीलों के इमरान खान ने एक सवाल कभी नहीं किया कि मैं बाहर कब जाऊंगा, कभी नहीं पूछा मेरी बेल कब होगी, मैं जेल से बाहर कब निकलूंगा। ऐसा लगता है कि इमरान खान खुद प्लान करेगा उसे कब बाहर निकलना है और उसको खुद आइडिया है कि कब निकलना है। नंबर 5, इमरान खान के वर्कर्स के बारे में कहा गया है, ये तो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर तारीख गवाह है, जितनी मार पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने खाई उतनी मार किसी और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ने कभी नहीं खाई। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के कारकुन को इससे आधी से आधी मार पड़ती ना, सियासत से तौबा कर देते, क्योंकि वहां पर लीडर साथ मार नहीं खाते, लीडर ज्यादा डील कर देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक डिफरेंट पार्टी है। मैं बेनज़ीर की पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सरदारी की पार्टी की बात कर रहा हूं। उधर पीएमएलएन जो है वो मियां साहब हर दफा डील मार के जो पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, डील करके इक्तदार में आते हैं, डील करके निकल जाते हैं, जैसे पकड़े जाते हैं। लिहाजा इनके कारकुन ये नहीं कर पाएंगे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन ने कर दिया। 6th प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान नशे का आदी है, 1 दिन नहीं गुजार सकेगा, 2 घंटे में नाक रगड़ेगा। फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब की जेल से जो खबरें आ रही है, किताबें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, वो नशा नहीं मांग रहा, साइकिल मांग रहा वर्जिश करने के लिए। लोग बता रहे हैं खाना भी ठीक खा रहे हैं, सेहत भी तगड़ी है, अपनी वॉकशॉप भी कर रहे हैं। वो आदमी ने नशा नहीं मांगा, डंबल मांगेंगे, प्लास्टिक वाले डंबल ही दे दो, रबड़ वाले, मैं अपनी वर्जिश कर लूं, रबड़ वाले डंबल होते हैं, चोट आपको नहीं लगती। बहरहाल ये भी रिपोर्ट किया था गाजवी साहब ने, मुझे याद है अच्छी तरह। तो नशे का आदि जिस आदमी को कहा, वो नशे के अलावा वर्जिश का आदि निकला, फिटनेस का आदि निकला। यानी जो लोग नशा नहीं करते सियासतदान, उनको 1000 किस्म की बीमारियां हमने देखा लगी हुई है। नवाज शरीफ साहब की बीमारियों को लिखने में सिर्फ कई सफे लग जाते थे, एक्स्ट्रा शीट का इस्तेमाल करना पड़ता था नवाज शरीफ साहब की बीमारियां लिखने के लिए। डॉक्टर नान कोई नशा नहीं करते नहीं साहब, इधर इमरान खान ने दुनिया भर के नशे डाल दिए, एक बीमारी अब तक नहीं हुई, एक दिन कोई शिकायत नहीं है कि इमरान खान को ये प्रॉब्लम है जेल के अंदर। 7th, जब इमरान खान साहब टिकट बांटेंगे तो कोई इनका टिकट लेने वाला नहीं होगा। एक एक हल्के में 20-20 उम्मीदवार थे, इतनी लड़ाई हुई टिकट के ऊपर कि किसी और पार्टी की नहीं हुई। वो सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए पाकिस्तान तरीके साहब ने बुरे तीन हालात के बावजूद, फिर भी जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा भी गलत साबित हुआ। बल्ले का निशान गया तो इलेक्शन गया, सबने देखा बल्ले का निशान भी गया और इलेक्शन भी नहीं गया। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के इधर उधर के निशान जो भी दिया गया, किसी को जूता दे दिया, किसी को लैपटॉप दे दिया, किसी को घड़ी दे दी, किसी को जग दे दिया, किसी को गिलास दे दिया, किसी को मग दे दिया, ये सारी चीजें अब छेड़ बनी हुई है हारने वाले उम्मीदवारों की। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशान ठप्पे मारे, तभी फिर इतने वोट डाले लोगों। फिर 9वां प्रोपेगेंडा ये किया गया कि इमरान खान के सारे लोग पार्टी छोड़ जाएंगे, अकेला रह जाएंगे। आपने देखा लोग उसको छोड़कर नहीं गए। कितना सारा आज ईद वाले दिन भी अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने कारकुन पहुंचे और उनमें से कुछ को हिरासत पे भी लिया गया। लोग ईद वाले दिन भी पहुंचे,
बच्चे जो हैं वो इमरान खान के कैदी वाले कपड़े पहन के ऊपर कैदी नंबर 804 लिखकर बच्चे घूम रहे हैं गलियों में सड़कों पे और बड़े फखर से तस्वीरें निकाल के उसको सोशल मीडिया पे भी लगा रहे हैं। ऐसा तो हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा कि जिसको लोगों ने छोड़ देना था, जिसने अकेला रह जाना था, उसके साथ सारी कौम खड़ी हो गई। दसवां प्रोपेगेंडा किया गया कि वोटर जो है वो मायूस हो जाएगा और 8 फरवरी को बाहर नहीं आएगा। फिर आपने देखा कि वोटर कैसे आया, तौबा करवा दी वोटर ने। इतनी लंबी लाइनें पाकिस्तान में कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। वोटर ने इतना वोट डाला कि तबीयत खड़ी कर दी, किसी वोटर को फेंका उधर, किसी को उधर, 25-25 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर दूर जो है नौजवान वोटरों का वोट बना दिया। वो पहुंच गए वहां पे भी वोट डालने के लिए लाइन में लगते, उन्होंने वोट डाल दिया। तो वोटर को मायूस करने के लिए जितने हथकंडे इस्तेमाल किए गए, प्रोपेगेंडा किया गया, वोटर मायूस नहीं हुआ, वो निकला, ये भी गलत साबित। एक और, जिन लोगों से डील होगी ना वो इलेक्शन में जीतेंगे सिर्फ। ये तो जो पीएमएलएन के सहाफी हैं उन्होंने मीडिया के ऊपर ऑन एयर कहा कि जीतेगा वही पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जिसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील होगी, वो जीतने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक मूव करेगा। फिर हमने देखा कि ये भी नहीं हुआ। ये कहा गया कि 10-12 सीटें जीतेगा, उसने तबाही फेर दी। वो 180 सीटें जेनवन जीता हुआ है, 90 तो उसके पास है, अभी भी छीन रहे हैं एक करके। इतनी ज्यादा जीत गया कि हर दूसरे दिन सीट छीनते हैं, फिर भी वो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी तक। 12वां प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जीतने के बाद जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे ना वो इमरान खान को छोड़ देंगे, इक्का दुक्का के अलावा कोई नहीं गया। यानी लोग आजाद जीते इमरान खान की हमायत पे, छोड़ देते कोई कानून उन पर नहीं लगता था, फिर भी नहीं छोड़ा, इमरान खान के साथ कमिटमेंट के साथ खड़े हुए हैं। ये कर दिया इमरान खान साहब ने इस मुल्क की पॉलिटिक्स में। बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ जाएंगी और इख्तलाफात हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इमरान खान की वाइफ और उनकी बहनों में और पता नहीं क्या कुछ कहा गया, इख्तलाफात बहुत हो गए, शदीद हो गए, कोई इख्तलाफ नहीं। बुशरा बीबी आज भी इमरान खान के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी, जेल काट रही, एक स्टेटमेंट से बाहर आ सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में या बाकी लोग जो जेलों में कैद हैं उनके बारे में कहा गया कि वो डील कर लेंगे, किसी ने नहीं किया। तो ये 12-14 प्रोपेगेंडा बहुत जोरदार तरीके से किए गए। अब भी कुछ प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं जो गलत साबित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि मजीद सख्ती होने वाली है, इमरान खान की सियासत जो है वो खत्म शुद्ध होने वाली है और आने वाले दिनों में जो है वो बहुत ज्यादा डंडा फिरने वाला है। तो कुछ भी नहीं होना नाज़रीन, ये मुल्क है, एक फैसला जो है ये मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यानी जो कुछ यहाँ पे हुआ वो माजी में तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद अवामी फैसला दीवार पर लिखा हुआ है। सिर्फ एक बात के साथ मैं अपने इस वीलॉग का इख्तिताम करूंगा, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि एक प्लान इंसान बनाता है, प्रोपेगेंडा भी करता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करता है, और एक मंसूबा मेरा अल्लाह बनाता है। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और इसमें ये था कि जो इमरान खान, उनको बोला गया कि वो जेल में नहीं रुक पाएगा, है ना, वो धक्के नहीं खा पाएगा, और उन्होंने, जबकि यार उन्होंने बचपन से शायद धक्के खाए भी नहीं होंगे फाइनेंशियली लेकर, क्योंकि उनके पापा ऑलरेडी, उनके पास बहुत कुछ था, इमरान खान ने खुद भी बहुत कुछ किया। अब उनको जाके बुढ़ापे में जाके, बुढ़ापा ही बोलेगे यार, वो 70+ हो चुके हैं, ठीक है, बुढ़ापे में जाके उनको जेल जाना पड़ रहा है, स्टिल वहां पे वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, कुरान पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है। तो यार इससे पढ़कर कौन कितने ज्यादा मोटिवेटिंग है। और अपने लिए पूछा नहीं इन्होंने कब उनको बेल में, वीडियो थी यार ये बहुत ही कमाल की थी। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आपने तो। बाय। इमरान खान साहब मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुखातिबीन उनके कह रहे थे कि भाई ये तो एक हफ्ता जेल में नहीं काट सकता, टिक सकता, लेकिन आज 7 माह गुजर गए, जेल गुजार भी ली है, गुजार रहे हैं, बीमार होकर हॉस्पिटल भी नहीं गए, फ्लैटलेट्स भी उनके नहीं गिरे हैं। हसन साहब कब तक आपके ख्याल में वो ये रेजिस्ट कर सकेंगे इस सब चीजों को, उनके आखिरी खतरे तक लट, वो ये जानते नहीं थे उसको क्या ये झूठ बोल रहा है। दो चीजें, मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं जानता लेकिन मुझसे पूछ लेते मैं बता देता। नो, बंदों का मिजाज होता है, उनका मिजाज ही उनका मुकद्दर बनता है। वो मटीरियल नहीं है, मुंह लटक गया, टेढ़ निकल गया, फलाना हो गया। नो, बात समझाने के लिए कर रहा हूं वैसे कि मुझे एक पॉलिटिशियन बताओ, सारा उसका एज ग्रुप है, कोई यूं उतरता है जैसे पता नहीं है, यानी कब्र की जा रहा है। ये झोंके हैं, इंसानों की शक्लों में झोंके हैं, हार जीत की अपनी अपनी डेफिनेशन है भाई। सही बात, कमाल की बात है।